रिटायर होने वाले बाबा की पगार से दो गुना अधिक सैलरी पहले काम से ही प्राप्त हो रही है आज की पीढ़ी को, मगर अपने माता पिता के समान आजकल की पीढ़ी पैसों को जुटा नहीं पा रही है। महीने में 1 लाख पाकर भी महीने के अंत में काफी दंपतियों का अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पैसों की बचत करना और उसकी आदत को आज की पीढ़ी में विकसित करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसी 3 आर्थिक टिप्पणियां हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। पहला, धीरज रखना। जब भी आपके बच्चे आपसे कुछ मांगे तो एकदम से उसे खरीद के ना दें। उन्हें एक हफ्ते, महीने या उनकी गर्मियों की छुट्टियां होने तक उस चीज के लिए इंतजार करवाएं, जिससे कि वह खरीदी हुई वस्तु का महत्व जाने और उसे संभालें। दूसरी सीख, क्या उनकी चाह उनकी जरूरत है या आडंबर, उसकी समझ उन्हें दिखलाएं। अगर आपके बच्चे आपसे क्रेयॉन्स मांगे और दुकान जाने पर उसके साथ वाटर कलर्स और स्केचपेन भी खरीदने की मांग करें, तो उन्हें उन तीनों पूछी हुई चीजों में से सबसे अत्यावश्यक वस्तु कौन सी है, उसे समझकर किसी एक को चुनने को कहें। तीसरी सीख, बचपन से ही उन्हें बचत करना सिखाएं। बचपन से ही अपने बच्चों को गुल्लक में पैसे जोड़ने की आदत और उनकी खुद की सेविंग बैंक का अकाउंट संभालने की सीख को बढ़ावा दे, और जरूरत पड़ने पर उनके बचाए हुए पैसों से उनकी सबसे अधिकतम जरूरत को खरीद कर दे। इससे उन्हें बचत का महत्व समझ में आएगा और वो बिना सोचे समझे खर्च भी नहीं करेंगे। कुछ सालों पहले जब अमरीकी आर्थिक व्यवस्था में गिरावट हुई तो काफी देशों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा, मगर भारतीय नागरिकों की बचत करने की आदत के कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो कोशिश करते हैं कि ऐसी कई आदतों को बचपन से ही बच्चों को सिखाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करते हैं। बाइबल में कही गई बात को जरूर ध्यान में रखें, बच्चों को सही मार्ग पर चलना सिखाइए और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेंगे। आपका क्या मानना है,